तुम दोनों को क्या लगा कि अभिनय केवल तुम दोनों ही कर सकते हो, मैं नहीं? बड़ा मुझे अपराध बोध कराने चले थे ना, तो लो अब तुम दोनों को तुम दोनों के ही जाल में मैंने फंसा दिया। वैसे उपहास अलग है, किंतु ये एक अखंड सत्य है कि राधा कृष्ण और गोपिका वल्लभ ने ही मेरे जीवन में प्रेम भरा है। मुझे प्रेम सिखाया है, मुझे सिखाया है कि त्याग ही प्रेम है। जिस प्रकार गोपिका वल्लभ ने अपना सर्वस्व त्याग दिया अपने प्रेम के, उसी प्रकार यदि कान्हा के कहने पर मैंने अपनी विजय नहीं त्यागी होती तो कदाचित मुझे भी कभी अपना प्रेम प्राप्त नहीं होता। आज मैं अपने संपूर्ण प्रेम से ये घोषणा करता हूं कि जो कोई व्यक्ति राधा कृष्ण के प्रेम पर अटूट विश्वास रखेगा, अखंड विश्वास रखेगा, उसके जीवन में उसे प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। असुर जैसा काल असुर असत्य नहीं कह सकता। कृष्णकांत यदि अखाड़े में ही होना था फिर ऐसा क्यों नहीं होगा? क्या? तकरार! बात तो एक ही होती है महाराज, बस व्यक्ति उसका अर्थ अपने स्वार्थ के अनुरूप समझता है। रलंबासुर ने कहा कि आपकी और कृष्ण की अंतिम भेंट अखाड़े में होगी, इसका अर्थ ये नहीं कि अखाड़े में श्री कृष्ण का अंत होगा। इसका अर्थ ये है महाराज कि अंत आपका होगा। अक्रोश! ऐसा कहने के लिए मैं तुम्हारी जीवा भी काट सकता हूँ। जीवा काटने से सत्य नहीं बदलेगा महाराज। आपको लगा रलंबासुर ने कृष्ण की मृत्यु की भविष्यवाणी की है? नहीं महाराज, यह भविष्यवाणी आपके लिए थी। अब आपकी मृत्यु निकट है, अब आपकी मृत्यु निकट है, अब आपकी मृत्यु निकट है। कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय! मुझे गर्व है अपने दोनों पुत्रों पर, जिन्होंने केवल 108 गांव के पहलवानों को ही नहीं बड़े से बड़े राजा महाराजाओं को परास्त किया है। पूरे गांव को आज तुम दोनों पर गर्व है। ये बताओ वहां पे हुआ क्या? मैया, मैं तो यही कहूंगी कि कृष्ण और दाऊ ने वहां विजय ही प्राप्त नहीं की, अपितु समस्त संसार के समक्ष सच्चे भ्रातृत्व का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अब बाकी की कहानी कुटिला जीजी सुनाएंगे। मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं। अरे आप नहीं तो कौन सुनाएगा? अरे आप कितना अच्छे से सुनाती है, बाल बाल उड़ते हैं, इतनी मीठी वाणी है। और वैसे भी राधा ऊपर राजकुमारी के बाजू में बैठी थी, आप ही तो बैठे थे अखाड़े के समीप। अरे ये तो दासी कक्ष में बैठे थे ना, वहाँ से तो सब कुछ विस्तार से दिख रहा था। अब बताइए ना आप। मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगी। कुटिला बताओ ना क्या हुआ वहाँ पे। अरे देखो ना, सब लोग कितना आग्रह कर रहे हैं आपकी मीठी वाणी सुननी है, वो कथा सुननी है, सुनाइए ना सबको। ठीक है,
आप लोग इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो बता देती हूँ। प्रतियोगिता कई चरणों में थी। बलराम ने कई शक्तिशाली और प्रतिभावान पहलवानों को अखाड़े में हराया। एक एक कर सारे अखाड़े से बाहर हो गए। बलराम की जय की घोष चारों ओर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बलराम के दाव पेच के आगे कोई भी पहलवान अधिक देर तक अखाड़े में नहीं रुक पाया। ऐसे कोई कहानी सुनाता है क्या? अरे आप अच्छे से सुनाइए ना, विस्तार से सुनाइए, परिपूर्ण रूप से ये कथा सुनाइए कटिला जी। जी कृष्ण कुटिला कुटिला ये तो बोला मैंने। कहा ना, वहाँ आए पहलवानों को पराजित करने के उपरांत बलराम ने कृष्ण को भी हरा दिया। किंतु दाव ने तो अपनी विजय कृष्ण के संग बांट ली। अरे कुटिला जी जी, फिलंबासुर वाली बात भी तो बताइए। अरे वो भी तो बताइए जी। अंत में प्रलंबासुर को हराकर राजकुमारी रेवती को भी प्राप्त कर दी। अच्छा बलराम, तुम वहाँ पे प्रतियोगिता जीतने गए थे या मेरे लिए बहू लाने के लिए? अब मैं, मुझे क्या ज्ञात था कि वो वहाँ जाकर ऐसा कुछ होने वाला, मुझे तो कोई अनुमान भी नहीं था। मैं तो वो कुश्ती बरसाना के मान सम्मान, अरे ज्ञात तो केवल नारायण को था। अब क्या बताऊं आपको मैया, देखिए गए थे मल्लयुद्ध जीतने के लिए, जीते हार के आ गए। अरे हारे नहीं है कृष्ण, क्या है ना कि राजकुमारी रेवती के पास छोड़ आए। ओहो मुझे फंसाने चले थे ना, अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे फंसाती हूँ। यशोदा काकी, अब जबकि बलराम का विवाह तय हो ही गया है तो लगे हाथ आप कृष्ण का भी विवाह करवा लीजिए। वो क्या है ना, गांव की सभी कन्याएं चैन की सांस तो ले पाएंगी, आप तो जानती ही हैं कितना सताता है कृष्ण सबको। मेरे कान्हा का विवाह तभी होगा जब वो चाहेगा, क्यों कान्हा? सोच लीजिए काकी, कहीं बिगड़ न जाए। कुटिला तुम यहाँ पे नई हो इसलिए जानती नहीं, मेरा कान्हा बिगड़ नहीं सकता है। हाँ बिगड़ों को सही राह अवश्य दिखा सकता है, और पहले इसके दाव का विवाह तो हो जाए। क्यों बलराम? विवाह का क्या है, मैं अब कर लेंगे, जब निर्धारित समय आएगा तो कर लेंगे। हाँ तो समय तो हम निर्धारित कर ही देंगे, हम शीघ्र ही वहाँ पे तेरे विवाह का प्रस्ताव लेके जाएंगे। अरे उससे पहले तेरे बाबा को खुशखबरी तो बता दूँ। नहीं मैं, विवाह से पूर्व मेरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है, उसे पूर्ण किए बिना मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। कौन सा कार्य बाबू? मैं शीघ्र ही बताऊंगा राधा, अभी थोड़ा विश्राम कर ले, सभी इतनी लंबी यात्रा से आए हुए हैं तो थकान लग गई होगी। किंतु हुआ क्या है उसके कार्य से तुम्हें क्या? घर नहीं जाना है या यहीं रुकने का विचार है राधा? राधा तुम अभी जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। किस महत्वपूर्ण कार्य की बात कर रहा था, ये तो तुम्हें क्या थी है ना कान्हा? कंस का अंत, कंस। मामा श्री के पापों का घड़ा केवल भरा ही नहीं अपितु भर कर फूट चुका है, अब इसके अतिरिक्त तो और किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें? प्रतीक्षा है राधा के स्वयं मुझे यहां से भेजने की। क्या यह असंभव है कान्हा?
राधा स्वयं तुम्हें सदा के लिए अपने से दूर कभी जाने को नहीं कहेगी। और कैसे होगा ये? वो भेजेगी दाव, बहुत ही शीघ्र राधा स्वयं मुझे भेजेगी। अब मथुरा जाने के लिए सज्ज हो जाइए दाऊ, क्योंकि अब वो समय आ चुका है।